welcome back to our channel. Today is 28th September. Time हुआ है 5:30. हम जा रहे हैं मनाली. Delhi to Manali हम लोग जा रहे हैं. इस बार हम जा रहे हैं by bus. Scooty से नहीं जा रहे हैं हम लोग, by bus जा रहे हैं. 5:30 की हमारी bus है. Bus सामने खड़ी हुई है अभी. और ये बस है जिसमें हम लोग मनाली के लिए निकल रहे हैं, मतलब यहाँ से पिकअप है और अभी मजनू का टीला पे जाके वहाँ से हमें चेंज करनी पड़ेगी. सेम बस वोल्वो, ऑसम बस. Now we have covered around 180 km from Delhi. अभी time हो रहा है 10:30. रुके हुए हैं, बस रुके हुए, आधे घंटे के लिए रुकी हुई है बस. अच्छी जगह है. वॉशरूम के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइन है. और वॉशरूम के लिए अभी आपको दिखा देता हूँ कितनी सारी बसेज यहाँ पे अभी रुकी हुई हैं. मनाली पर टाइम हुआ अभी 10 बजे. पूरा बस ने लिया है 13.5 घंटे और वेदर इतना प्लेजेंट है यहाँ पे. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप है बट ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. और इसको देखो बोझा उठाते हुए. हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो कि है मॉल रोड पे. अभी देखते हैं कितना पड़ेगा, वो 1.5 किलोमीटर है यहाँ से. टैक्सी स्टैंड पर हम लोग उतरे हैं. सो गाइस फाइनली वी हैव टेकन आवर रूम. ये जो रूम है हमें इतना ज़्यादा चीप पड़ा है, 500 रुपीज़ में पड़ा है. होटल का नाम है ग्रीन व्यू. और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सोलांग वैली में. धूप बहुत ज़्यादा लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. मनाली से 15 किलोमीटर है. अच्छे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा उधर बारिश हो रही है. ये पूरा वैली हो के बीच में सोलांग वैली. क्या करने जा रहे हो तुम? कैसा था? मजा आ गया. कैसा था? बहुत मजा आया. क्या था? और इतना लंबा जिप लाइनिंग, इतना मजा आया. इतनी लंबी यहाँ से वहाँ तक 150 मीटर. जबरदस्त. और वहाँ पे जो भी एंड पॉइंट पे वो था वाटरफॉल, जबरदस्त. We'll be right back.
फाइनली हम लोग पहुँच गए वाटर स्प्रिंग जो कि मनाली से है 5-6 किलो हिल पे है। बहुत ज़्यादा ऐसे वाली चढ़ाई है और बादल हो गया अभी जैसे आप देख रहे हो। जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मंदिर का टेम्पल का काम चल रहा है और यहाँ पे ना नेचुरली हॉट वाटर निकलता है। पहले से ही कभी कुछ सदियों पहले की बात है, गर्मी हो सर्दी हो बर्फ़ भी होगी तभी इसका इसमें गर्म पानी आता रहेगा, बस इसी नाम से ये यहाँ पे थोड़ा फेमस है। ये निकल रही है भाप, इधर देख लेना। और अभी हम लोग निकल रहे हैं हिडिम्बा टेम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। पहले यहाँ पे नहाने का सेपरेटली हुआ करता था, जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है टेम्पल में, तो इस वजह से वहाँ पे सब कुछ बंद कर रखा है अभी। तो अभी पाइपों के थ्रू हल्का फुल्का बाहर ही है, जिससे कि आप लोग वक्त देख सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट हिडिम्बा टेम्पल, जो कि हमें 6 किलोमीटर पड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग से। मौसम थोड़ा बिगड़ गया था, पीछे बारिश आने लगी थी, तो हमने अपने कैमरेज वगैरह सब सेटअप अंदर रख दिया था। ये दे दो। अच्छा क्या करेगा इसका? इसको मैं कमरा बनाऊंगा इसको। ये क्या है ये पता है? ये क्या है? कमरा है। ये कमरा है, ये कैमरा है, ये माइक है। तो ये जो हिडिम्बा टेम्पल है, ये मनाली का सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट है। काफ़ी एंशियंट टाइम पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है, 1553 का है ये। इसकी हिस्ट्री ये है, हिडिम्बा जो थी वो राक्षस फैमिली से बिलोंग करती थी और यहाँ पे वो मेडिटेशन किया करती थी और वो अपने ब्रदर के साथ रहा करती थी जिसका नाम था हिडिम। और जब पांडवों का महाभारत के टाइम पे जो पांडव वनवास पे थे, तब उन्होंने जब मनाली विज़िट किया था, तब भीम ने जब यहाँ पे विज़िट किया था हिडिम्बा टेम्पल पे, तब उसने हिडिम को मार दिया था, जो कि उसका भाई था, हिडिम्बा का जो भाई था उसने उसको मार दिया था। और जो हिडिम्बा थी उसने भीम से शादी कर ली और उसके बाद जो उनका बेटा हुआ उसका नाम था घटोत्कच। तो ये इसकी हिस्ट्री है यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और आज हमारा डे 3rd इन मनाली। अभी हम लोग गुड मॉर्निंग तो कर ही नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 12 बजे सोते उठे थे, तो गुड मॉर्निंग तो निकल गया था, गुड आफ्टरनून बचा वो सब कर रहे हैं। कि हम जा रहे हैं सीधा अभी खाना खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो हम लोगों ने निकाल ही दिया। और कंटिन्यूसली कल से बारिश हो रही है, कल सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है और ये टाइम आ गया, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यहाँ पे वैसे। और हमारी शाम की बस है, हम लोगों ने रेड बस के थ्रू दोबारा फिर बुक किया, वोल्वो एसी बस सेमी स्लीपर, हम लोग 5:30 बजे की बस है। और अब जा रहे हैं बाहर खाने के लिए। हम आपको वेदर दिखा देता हूँ, वो पूरा पहाड़ दिखा देता हूँ, कैसे बादल गिर रखे हैं पूरे पहाड़ों पर, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। और ये है माल रोड मनाली का, बारिश वाला मज़ा आ रहा है, बारिश पड़ रही है दबागे। और ये माल रोड है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा एंड तक है माल रोड। अभी मार्केट ओपन नहीं हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से सारा का सारा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। और हम लोग आ गए मनाली के थोड़ा सा माल रोड के थोड़ा सा अंदर की साइड पड़ता है पंजाबी ढाबा, और इसमें हमने किया है चिकन फ्राई राजमा। और प्राइस है यहाँ पे चिकन का बहुत
अच्छा प्राइस है 170 का हाफ, राजमा जो है 90 का है यहाँ पे, और बटर नान यहाँ पे 30 है, प्लेन नान 25 है, और तंदूरी रोटी है यहाँ पे 8 रुपए की, और बटर रोटी है यहाँ पे 10 रुपए की। तो फाइनली हमारा खाना आ गया, और मुँह में पानी आ गया देख के, बस खाने पे टूट पड़ो, खाना खाते अब। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा चिकन फ्राई, मज़ा आ गया यार, आइए खाते चलो। और यार अभी हमें थोड़ी देर पहले सैडली न्यूज़ मिली है रेड बस के थ्रू, जो हमने बस बुक की थी उसके एजेंट का फ़ोन आया हमारे पास, और अभी बोल रहा है कि बस कैंसिल है, कैंसिल हो गई है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है, ये कि थोड़ा डर भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है। फ़ोन आया बोल रहा है कि कल शाम में चलेगी बस, तो अब कल शाम में हम लोग निकलेंगे यहाँ से। So guys, आज है 25th of September और यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, लाइक दो दिन हो गए हमें फंसे हुए। हमारी जो बस थी वो 23rd September की थी, लेकिन हम निकल नहीं पाए क्योंकि रास्ते जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, इस वजह से हमें जाने की सर्विस नहीं मिल पा रही है बस की। जो मंडी है और कुल्लू है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है यहाँ पे, और अभी हम लोग बैठे होटल के टेरेस पे और इतना मस्त व्यू आ रहा है। व्यू तो छोड़ो, सब व्यू को मारो गोली। अभी जो हमें देखा है कि सुबह सुबह आगे बर्फ़ मिली है हमें, सामने तीन पहाड़ों में हमें बर्फ़ मिली, एक वहाँ और एक वहाँ, तीनों दिखा। आज मनाली में जब से हम आए हैं, मतलब 21st of September के बाद आज 25th of September को हमें धूप देखने को मिली है, इसलिए हम अपने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, वरना हम स्वेटशर्ट में ही थे। धूप निकल रही है, मौसम बहुत मस्त हो गया है, क्लाउड्स बहुत मस्त दिख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पे पता करने के लिए कि क्या स्टेटस है आगे रस्तों का, कि रस्ते खुल गए नहीं खुले हैं, जिससे कि हम यहाँ से निकल सकें और दिल्ली पहुँच सकें। तो हम जाके पता करेंगे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। ठीक नहीं है, अच्छा लैंडस्लाइड हो गई है, क्यों पानी की कटावट से कट गया, कल मतलब फंसे रहने के चांस है अभी और भी। जैसे कि इन भैया ने आगे अभी बताया कि कुल्लू से आगे का रास्ता खुला हुआ है, कुल्लू से और मनाली के बीच में जो रास्ता पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से भी प्राइवेट टैक्सीज जा रही हैं, अपने रिस्क पे जा रही हैं, वैसे रोड अभी भी बंद है। तो गाइस हमने चेकआउट कर लिया है होटल से, हम जा रहे हैं बाहर गुरुद्वारे की साइड पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है जो कि हमें कुल्लू तक पहुँचाएगी। कुल्लू से फिर हमें अपनी बस लेनी पड़ेगी, देखते हैं वॉल्वो मिलती है, ऑर्डिनरी बस मिलती है, वहीं जाके देखते हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15, हम जा रहे हैं कुल्लू। सो गाइस अभी हम खड़े हैं मॉल रोड से थोड़ा सा पहले, ऑल्टो गाड़ी खड़ी है ये, जिसमें हम चार लोग बैठ के जाने वाले हैं। इसका जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 500 ईच टिल कुल्लू। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट चल रही है, लाइक 2500 रुपये में गाड़ी जा रही है। अब आप उसमें चाहे दो बंदे बैठ के जाओ, चाहे उसमें चार बंदे बैठ के जाओ, चार जाओगे तो 2500 डिवाइड हो जाएंगे, 2500 जो है अगर दो जाओगे तो दो जने का प्राइस पड़ेगा, मतलब गाड़ी का हिसाब है, बंदों का हिसाब नहीं है यहाँ पे। और अभी जब हम सुबह उठे तो धूप थी, बिल्कुल क्लियर वेदर था, मतलब क्लाउड थे ही नहीं बिल्कुल भी, और साथ में स्नो है। अब
अब हम यहाँ पे जब भी उठ रहे हैं, मतलब दो दिन से तो ऐसे ही हो रहा था, जब जब उठ रहे हैं स्नो बढ़ती जा रही है। जो सामने वाला पहाड़ है पूरा स्नो से ढक चुका है। और सुना है कि जो रोहतांग का जो रास्ता है वो तो कल बंद ही था, क्योंकि ट्यूसडे में रोहतांग बंद रहता है। और दूसरी बात ये कि जो केलोंग है वो परमिट नहीं मिल पा रहा है केलोंग तक का, क्योंकि वहाँ पे 4-4 फीट बर्फ थी परसों में। अब आज का क्या हाल होगा आई डोंट नो। तो यहाँ पे यही है कि आप केलोंग के लिए परमिट लोगे तभी आपको वहाँ पे मतलब अलाउ किया जाएगा टिल रोहतांग तक, क्योंकि रोहतांग का परमिट नहीं बनता है, केलोंग का बनता है सीधा। तो अगर केलोंग का रास्ता साफ नहीं होता तो वो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि केलोंग का परमिट बनेगा तो ऑब्वियसली आप रोहतांग भी नहीं जा सकते। ट्यूजडे में बंद था, आज वेडनेसडे तो आज जा सकते हैं, कुछ लोग जो है वो आज जाएंगे। चलो तो हमारी गाड़ी चलने के लिए रेडी है, हम जा रहे हैं कुल्लू। सभी आप लोग देख रहे होंगे पूरा का पूरा जाम में जा रहे हैं, चक्कर बहुत बुरे वाले वो मीटिंग। हमें निकले हुए पूरा 1 घंटा हो गया है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, नगर से थोड़ा सा आगे निकल के 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए यहाँ से। और अभी मेरे ख्याल से बच रखा होगा 15-16 किलोमीटर कुल्लू यहाँ से, पूरा जाम है, पता नहीं कितना जाम है यहाँ से। और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यार। अभी नागर जो एक रास्ता पड़ता है जो कि ऑल्टरनेटिव वे है कुल्लू तक पहुंचने का मनाली से, वहाँ पे बहुत तगड़ा जाम था। देख 3-4 घंटे लगेंगे गाड़ी निकलने में। ये देख सकते हो पूरा का पूरा जाम है पीछे आगे भी। तो हमें हमारे गाड़ी वाले ने उस रोड पे उतार दिया, तो हम पुल पार करके इस साइड आए हैं और यहाँ से हम लेंगे नॉर्मल बस कुल्लू तक के लिए।